हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। और एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, रोज ही की तरह मेरी किचन से। तो अभी मेरे हाथ में आप टमाटर और चाकू देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो ब्लॉग होने वाला है आज, वो किचन का ब्लॉग होने वाला है। लेकिन साथ साथ में बाकी सारी जो एक्टिविटीज होती है जो मैं डेली करती हूँ, या फिर कुछ नया अगर ब्लॉग में होगा तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी वजह है दिन के 12 और मुझे बनाना है लंच। तो आज का जो ब्लॉगिंग है ना, वो मैं शुरू कर रही हूँ दिन से, क्योंकि सुबह से मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं तो टाइम ही नहीं मिल पाता ब्लॉग को कंटिन्यू करने का। इसलिए मैं अभी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी मैं खाना बना रही हूँ। आज के दिन के मॉर्निंग के स्कूल है तो वो आ जाते हैं 1 या 1.5 बजे के समथिंग। तब तक मुझे खाना बना के तैयार रखना पड़ता है साहब के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल। और दाल जो मैं बना रही हूँ ना, मतलब मुझे उसका नेम नहीं पता। एक तो जो चने होते हैं, चने मिक्स करके, और एक छोटे छोटे मटर की तरह छोटे से दाने होते हैं ऐसे, वैसे इनको हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है, हमारी घरेलू लैंग्वेज में, कुमाऊनी में, कलियो बोला जाता है। मटर की तरह छोटा होता है थोड़ा सा, थोड़ा टाइट होता है, पहले से भिगाना पड़ता है। तो मैंने जो ये कले होते हैं और मटर होते हैं, चने, तीनों को मिक्स कर रखा है और मैं इसकी दाल बनाने वाली हूँ अभी। और रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना अच्छे से नहीं आता है। मतलब ऐसे नॉर्मल टाइप का बनाती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती। मतलब बहुत अच्छा नहीं बना पाती हूँ, पर फिर भी मैं आज अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोज में देखा है, मेरी जो किचन की फूड रेसिपीज होती है वो बहुत अच्छी होती नहीं है क्योंकि उतने अच्छे से आता नहीं है, पर मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से आता है। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं खाना में। मैं नॉर्मल जो दाल चावल होता है वो बना लेती हूँ और ज़्यादा अच्छे से बना नहीं पाती हूँ। तो मैं कैसे दाल बना रही हूँ दिखाती हूँ आपको। अभी जो मेरा तेल है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया, और उसके ऊपर से मैं थोड़ा सा राई डालने वाली हूँ। तो इसका फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है, राई या फिर अजवाइन का। और थोड़ा सा ओनियन मैंने जो ग्राइंड कर रखा है, इसमें ओनियन मुझे अच्छा लगता नहीं है ना, इसलिए मैं बहुत कम डालती हूँ। कभी कभी तो डालती ही नहीं हूँ, बिना ओनियन के अच्छा ही लगता है मुझे। जब तक इसमें मेरा ओनियन फ्राई हो रहा है ना, मुझे जो टमाटर है उसको ग्राइंड करना है। मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स खाती नहीं हूँ, मतलब वो मुझे ग्राइंड करके ही अच्छी लगती है क्योंकि मोमोज के पीसेस नहीं आते हैं, तो इसको मैं ग्राइंड करके ही बना रही हूँ। ओनियन फ्राई हो चुका है और मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया टमाटर जो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर रखा था इस पर। देन मिक्स इट वेल, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा अच्छा खाना बनाना आता होगा, ये तो खाली नॉर्मल सी दाल में बना रही हूँ। तो जब इसका कलर पूरा रेडिश हो जाता है ना ऐसे, उसके बाद इसमें मैं आजकल हम ना रेड मिर्च नहीं खा रहे हैं, तो उसकी जगह पे मैं ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ आजकल कट करके। इससे एक फ़ायदा होता है ना, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है ग्रीन चिली का, और ज़्यादा मिर्च भी नहीं होती है, कम मिर्च होती है उसके कंपैरिजन में। और अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी मसाले। और ये होते हैं ना कलियों जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बहुत छोटे से होते हैं बिल्कुल मटर की तरह। ये तो है मटर और ये है चना, ये भी है मटर, और जो ये छोटे से आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे कलियों हैं। तो इसी की दाल बनाने वाली हूँ। और देखो मेरा जुगाड़ किस में, मैंने इसको धोया है, जो छन्नी होती है ना आटा छानने वाली, उसमें। मुझे इससे ये फ़ायदा होता है ना, जितनी बार भी धो सारा जो मत अगर इसमें मिट्टी वगैरह होती है तो वो भी निकल जाती है और दाने भी बाहर नहीं जाते हैं। तो इस छन्नी का यूज मैंने इसीलिए करती हूँ धोने के लिए, सब्जी भी धोने के लिए। और दाल में डालने के लिए जो पानी मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वो थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गर्म पानी से क्या होता है ना कि बहुत जल्दी दाल बन जाती है और जो गैस होती है वो कम खर्च होती है। पानी जो है मेरा गर्म हो चुका है और अब मैं इसको डाल देती हूँ उस पर। पानी अपनी जो आप जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए ना उतना आप ले सकते हो उसमें, अपनी दाल के अकॉर्डिंग। अगर दाल ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा, दाल कम है तो पानी कम। तो दाल तो अब मैंने रख दी है गैस में, और अब मेरे को धोने इतने सारे बर्तन जो यहाँ लाइन से लगे हुए हैं ऐसे, देखो यहाँ से वहाँ तक,
इन सारे बर्तन को धोने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे ब्लॉग में आगे। बर्तन धोने के बाद ना मैंने थोड़ा सा भांग की चटनी बना दी है और थोड़ा सा सैलेड बट अभी मेरा चावल नहीं बना है क्योंकि दाल मेरी पकी नहीं है और कुकर एक ही है, तो इसको खाली करने के बाद फिर से इसमें चावल रखना पड़ता है। अब इसका वेट कर रही हूँ कब दाल। अब चावल हमारा बन चुका है तो हम करते हैं लंच, फिर मिलते हैं आपसे ब्लॉग। मोस्टली जो हमारा दिन जाता है ना ज़्यादातर फ्री टाइम वो खाने में ही जाता है, तो अभी बना रखी है मैंने मैगी और मैगी के साथ बना रखी है चाय, तो यह है हमारा इवनिंग वाला। तो आज दिन में खाना खाने के बाद ना मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ काम आ गया था अर्जेंट है, तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और उसके बाद सीधे अभी टाइम हो रहा है उसको कंटिन्यू करने का, और कंटिन्यू करने के लिए ना रोज़ हम मतलब घूमने के लिए जाया करते हैं शाम के टाइम पर, तो अभी आज हम घूमने के लिए नहीं गए हैं, आज हम गए हैं छत पर, खाली बैठे हुए हैं छत पर थोड़ा सा टहलने के बाद फिर बैठे हुए हैं। तो आज के ब्लॉग को बस मैं इतना ही बना रही हूँ, और जो आज मैंने बनाई थी ना न्यू रेसिपी कलियों की दाल, तो उसकी रेसिपी आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। जल्द मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में कुछ नई चीज़ें लेके, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके, क्योंकि आज का ब्लॉग जो था वो बहुत ज़्यादा बोरिंग था, तो अब अच्छे से ब्लॉग लेके आपके पास आती हूँ दूसरे दिन। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अवर चैनल।